बैक टू माई चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोटिक के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आप यूज करेंगे और बार बार यूज करते रहेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोडक्ट रिव्यू। तो जो चार प्रोडक्ट्स आज आपके लिए लेके आई हैं वो चारों के चारों बायोटिक से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बायोटिक के बायो पपाया टैन रिमूवर स्क्रब के बारे में। ये स्क्रब बेसिकली टैनिंग के लिए है या फिर आपको ब्लेमिशेस हैं या फेस से पिगमेंटेशन है उसके लिए ये वाला स्क्रब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारा यूज करके देखा है। इसके जो ग्रैनुलस हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे 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 पार्टिकल्स हैं जो कि फेस में बहुत अच्छे से स्क्रबिंग कर लेते हैं। बाकी जो मैंने स्क्रब अभी तक यूज़ करे थे उनके पार्टिकल्स काफ़ी मोटे होते हैं और प्रॉपरली पूरे फेस पे ब्लेंड नहीं हो पाते हैं, हाथों में रह जाते हैं। लेकिन ये वाला स्क्रब अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो आप बाकी सारे के सारे स्क्रब भूल जाएंगे। ये स्क्रब बहुत ही अच्छा है आपके जो फेस पे अगर सन टैन हुआ है या फेस पे ब्लेमिशेस हैं या फेस पे पिगमेंटेशंस हैं, तो ये वाला स्क्रब आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा स्क्रब रहेगा। और इसको यूज़ कैसे करना है वो इस पर लिखा हुआ है कि मसाज ऑन वेट फेस। अपने पहले फेस को हल्का सा वेट कर लीजिए, गीला कर लीजिए और उसके बाद इसको अपने फेस के अकॉर्डिंगली जितना आपको यूज़ करना है उतना ही लेकर फिंगर टिप्स के थ्रू ऐसे ऐसे नीचे से सर्कुलर मोशन पे आप इसको स्क्रबिंग कीजिए नीचे से ऊपर की तरफ और अपने आँखों के एरिया को आप छोड़ दीजिए। और पानी से इसको रिमूव कर सकते हैं या कॉटन बाउल गीला करके उससे रिमूव कर सकते हैं। और इसको आप सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात इसकी मुझे लगी कि इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई हार्मलेस कुछ केमिकल वगैरह इसमें नहीं डाले गए हैं तो इसको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपको फेस को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनिंग देगा क्लियर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर कर लेगा और जो भी आपके फेस पे डेड सेल्स हैं फेस के वो सारे के सारे ये रिमूव कर लेगा। मेरे को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जो भी मेरा फेस अनइवन सा था, काफ़ी ज़्यादा फेस पूरा का पूरा यहाँ से अनइवन सा था, इसको मैं डेली यूज़ कर रही हूँ। डेली अगर नहीं भी करती तो ऑल्टरनेट डेज पे मैं इसको यूज़ कर ही लेती हूँ। तो फेस पे इसको यूज़ करने से मेरे फेस पे एक अलग सी इवन टोन क्रिएट हुआ है। स्क्रब आपको एक यंगर लुक देता है आपके फेस पे, ब्राइटनर आपके फेस को ब्राइटनिंग करता है, आपके फेस को क्लियर करता है, आपके फेस के डेड सेल्स जितने भी हैं उनको रिमूव करता है। अगर आपको सन टैन की प्रॉब्लम आपके फेस पे हुई है तो ये उसको रिमूव करता है। आपके ब्लैक हेड्स हों या वाइट हेड्स हों उनको प्रॉपरली अगर आप इसको यूज़ करेंगे उस एरिया में जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स वगैरह हैं, ये उन्हें क्लियर करता है। इसके अंदर पपाया का उन्होंने कुछ डाला हुआ है पल्प वगैरह, तो ये फेस के लिए पपाया तो वैसे भी आपको पता ही है कि ब्राइटनिंग फेस के ब्राइटनिंग चेहरे को ब्राइट करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसके अंदर ये सारे इंग्रीडियंट्स इन्होंने डाले हुए हैं और ये जो इसका MRP है ये मुझे ऑनलाइन मैंने खरीदा था, अमेजोन से ही मैंने परचेज किया है। इसका जो MRP है वो 199 का MRP है लेकिन ये मुझे अमेजोन पे 133 का मिला हुआ है। 75 ग्राम का इसका क्वांटिटी है। तो ये स्क्रब आप ज़रूर इन गर्मियों में यूज़ करें। दूसरा जो प्रोडक्ट मैं लेके आई हूँ वो है बायोटिक का ही बायो फूड फेस पैक। सबसे पहले ये चार प्रोडक्ट मैंने जो यूज़ करे हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको यूज़ करने हैं। सबसे पहले आपको ये स्क्रब करना है, उसके बाद आपको अगर ये बाकी प्रोडक्ट नहीं भी यूज़ करने हैं तो आप स्क्रब करके भी कोई सारे मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट बता रही हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। दूसरा जो प्रोडक्ट मैं लेके आई हूँ वो है बायोटिक का ही बायो फूड फेस पैक। ये आता है पिंक कलर का, इस तरह का। ये भी मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है और इसकी भी अच्छी बात यह है कि इसको भी आप डेली बेसिस पे अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपके फेस के डेड सेल्स को मारता है, आपके फेस को ब्राइटन करता है, स्मूथ करता है और आपके फेस का जो अनइवन टोन है उसको इवन करता है। और अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स वगैरह हैं या वाइट हेड्स का जो एरिया है स्क्रबिंग करने के बाद अगर आप उसको फेस पैक लगाते हो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आपके पोर्स को क्लियर करता है, आपके अगर डार्क सर्कल हैं तो ये उनको भी रिमूव करता है। और इसके अंदर ये पूरा का पूरा फ्रूट्स है, इसके अंदर फ्रूट्स से बना हुआ है ये, इसका नाम ही फूड पैक है। और इसको कैसे यूज़ करना है अपने आपको पहले, अगर आपको ये जो मैंने बताया था फेस पैक ये फेस स्क्रब यूज़ नहीं करना है तो इसको डायरेक्टली आप कैसे यूज़ करना है, पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद इसको लगा के फेस के 15 से 20 मिनट जब पूरी तरह ड्राई हो जाए तो हल्के सर्कुलर मोशन से अपने फेस को पानी के साथ धोकर इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
15 से 20 मिनट का टाइम इसको रखना है अपने फेस पे। ये भी आपके फेस को लाइटन और ब्राइटन करता है, आपके कम्प्लेक्शन को क्लियर करता है, आपके स्किन को अनइवन से इवन टोन आपको देता है। और इसका प्राइस भी 199 MRP है, लेकिन ये भी मुझे 139 पे मिल गया है। ये भी मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर किया था। ये आप चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, आपकी ड्राई स्किन हो, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन हो या आपकी सेंसिटिव स्किन हो, ये कोई हर किसी स्किन पे ये सूट हो जाता है। इसकी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आप इसको यूज़ करेंगे, फेस पे लगाएंगे तो हल्का सा आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा इससे फेस ना जल रहा है, लेकिन वो मुश्किल से हार्डली 2-3 मिनट्स के लिए लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और जब उसको पूरी तरह क्लियर कर लेंगे, फिर फेस से निकाल लेंगे, तो आपको एक कूलिंग सा इफेक्ट देगा आपके फेस पे। तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि फेस जल रहा है, फटाफट से उसको निकालने की जरूरत नहीं है, वेट कर लीजिए। और ज्यादा ही अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले आपको पैच टेस्ट कर लीजिए हैंड पे, और उसके बाद फेस पे यूज कर लीजिए। लेकिन ये जलेगा जरूर 1 या 2 मिनट के लिए, उसके बाद ही नॉर्मल हो जाएगा। ये फेस पर बहुत 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 अच्छा है। अगर आपके फेस पे ब्लेमिशेस हैं या पिगमेंटेशन हैं, मेरे फेस पे काफी डार्क आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी मेरे फेस पे मोटे मोटे से ब्लेमिशेस यहाँ पे निकल आए थे, तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में मैंने इस पर ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मेरे को 4-5 महीने हो चुके हैं। इसका इफेक्ट हुआ है, लेकिन काफ़ी स्लो इफेक्ट है, बट इफेक्टिव है ये। तो मेरे जो पिगमेंटेशन इस एरिया में थे काफ़ी लाइट हो गए हैं, और इसको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, तो देखते हैं आगे क्या रिजल्ट रहता है इसका। तो ये वाइट का फ्रूट फेस पैक आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इन सारे प्रोडक्ट्स का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको लेना है तो आप उस पर क्लिक कीजिए और इसको आप परचेज कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है बायोटिक का ही मॉइस्चराइजर है। इसमें 2-3 तरह के मॉइस्चराइजर आते हैं विदाउट SPF, SPF। तो जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें 30+ SPF वाला ये मॉइस्चराइजर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइजर जब आप अपने फेस पे यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कुछ ऑयली ऑयली सा आपके फेस पे यूज़ होगा, लेकिन ये धीरे धीरे उस तरीके से इसको जब पूरा फेस पे यूज़ कर लेंगे तो कुछ टाइम के बाद ही आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और आपको बिल्कुल भी ऑयली इफेक्ट इसका नहीं रहेगा। और ये वाला मॉइस्चराइजर भी 30+ SPF अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन फॉर ऑल स्किन टाइप, ये भी सारे स्किन में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑयली हो या नॉन ऑयली हो, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन है। तो आप ये ना सोचें कि ये हमारे फेस पे ऑयल निकाल रहा है, आप इसको लगाएं अच्छे तरह से, इसको स्किन में ऑब्जर्व होने दें, उसके बाद ही आप घर से बाहर जा सकते हैं। और ये इसका मैं आपको MRP बता देती हूँ, इसका MRP था 199। ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है और ये मुझे मिला है 149 पे। ये लोशन भी आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है आपके फेस पे, और सनस्क्रीन है इसके अंदर ऑलरेडी, SPF इसके अंदर डला हुआ है, तो ये सनस्क्रीन की तरह यूज होगा। अगर आप कोई और हार्ड कोई सनस्क्रीन यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हर्बल सनस्क्रीन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको जरूर यूज़ करें। ये बहुत ही अच्छा है सनस्क्रीन है, आपके फेस को ब्राइट करेगा, स्किन को इवन करेगा। फोर्थ और लास्ट मोस्ट जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ अभी, ये है बायोटिक का ही बायो विजिबल एजलेस सीरम, फेस सीरम है ये। बेसिकली मैं रात को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसको दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये भी ऑल स्किन टाइप है, बहुत अच्छा सीरम है ये, तो ऑलमोस्ट खाली ही कर दिया है मैंने। ये भी मैं काफ़ी 4-5 महीने से यूज़ कर रही हूँ, इससे भी मेरे जो ब्लेमिशेस थे फेस के, पिगमेंटेशन वगैरह थे, उसमें काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट आया है। और इसका मैं आपको MRP बताती हूँ, इसका MRP था 230 रुपीज़ का, और ये मुझे 198 रुपीज़ में मिला है। इसमें 40 ml और 190 ml दो तरह के साइज आ रहे हैं, साइज आपको सब में मिल जाएंगे। इस लोशन में भी आपको साइज मिल जाएगा, छोटा या बड़ा। और ये जो फेस सीरम एजलेस फेस सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें भी दो साइजेस हैं, 40 ml और 190 ml। और इसमें विटामिन ई है, मिनरल्स है, ब्लेंडेड विद कुछ इसमें हर्बल ऑयल्स वगैरह भी डाले गए हैं। और ये आपके फेस को ब्राइटन करता है, इवन करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करता है। अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं जो कि फेस पे एक्ने या पिंपल होने की वजह से रह जाते हैं कई बार ही, तो वो उसको क्लियर करता है। अगर आप आपके फेस पे रिंकल्स हैं, तो इसका नाम ही है कि एजलेस सीरम, विजिबल एजलेस सीरम। अगर आपके फेस पे कोई रिंकल्स वगैरह हैं तो ये उनको भी क्लियर करता है। और
ये आप मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हैं, नाइट में सोते टाइम भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको रात में सोते टाइम अपना फेस पूरा क्लीन करने के बाद इसको सोते टाइम लगा देती हूँ। और इसका बहुत ये क्रीमी फॉर्म में है, जेल क्रीमी फॉर्म में है, व्हाइट कलर में आता है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे है, वैसे ही खत्म होने वाला है ये, इस तरह की फॉर्म में आता है। ये जब आप लगाएंगे तो ये 1 से 2 मिनट लेगा आपकी स्किन को ऑब्जॉर्व करने में, आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व होने में, उसके बाद ये पूरी तरह ऑब्जॉर्व हो जाएगा। ये इसको अगर आप रात में लगा के सोते हैं और मॉर्निंग में उठ के आप देखेंगे तो आपका फेस एक अलग ही ग्लो आपको दे रहा होगा। ये देखिए ये पूरी तरह ऑब्जॉर्व हो चुका है, फर्स्ट यूज में ही आपको इसका इफेक्ट पता चल जाएगा। ये पूरी तरह ऑब्जॉर्व मेरी स्किन में हो चुका है। और ये जो पूरी तरह ऑब्जॉर्व हो जाता है तो हल्की सी ड्राइनेस आपको फील करेगा फेस पे कि आपका फेस ड्राई हो रहा है, बट वो भी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आपका फेस नॉर्मल उसमें आ जाएगा टेक्सचर में। और ये जो 4 प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, एक पपाया टैन रिमूवल स्क्रब और ये फ्रूट फेस पैक, उसके बाद ये मैंने आपको SPF के साथ 30+ SPF के साथ आपको जो इसका मैंने मॉइस्चराइजर दिखाया है और जो एजलेस सीरम आपको दिखाया है, ये 4 प्रोडक्ट्स ही आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनको आप डेली रूटीन में जरूर की जरूर शेयर कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का प्रोडक्ट रिव्यू। और अगर इन प्रोडक्ट्स के अलावा आप किसी और प्रोडक्ट्स का रिव्यू मेरे से जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो, और मुझे कमेंट्स कीजिए। और इन प्रोडक्ट्स को अपने डेली रूटीन में जरूर की जरूर आप इसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ये मैंने 4 से 5 महीने यूज़ करने के बाद ही इनका रिव्यू मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये आपके फेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको आप जरूर से जरूर यूज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे और आपको मेरा रिव्यू अच्छा लग रहा हो तो आप भी मुझे कमेंट्स कीजिए। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए, और जो कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह से रिलेटेड हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से इनको परचेस कर सकते हैं। तो आज का बस यही वीडियो यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।